गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको मालूम है हम क्या कर रहे थे, हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे। उसका हम फर्स्ट कर्नाटका वॉर हमने पढ़ लिया था। अब हम आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेकंड कर्नाटका वॉर है। ये सब जो वॉर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनके बाद ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सुप्रीम पावर बनती है इन इंडिया एंड यूरोप। ठीक है, तो इसीलिए हम ये जो कर्नाटका वॉर्स हैं इनको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसकी एक एक वीडियो ही हम अपलोड कर रहे हैं, सो दैट कि इसको डिटेल में अच्छे से हम कवर अप कर सकें, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्योंकि ट्रिटी ऑफ, जैसे जो हमारी लास्ट जो हमने ट्रिटी पढ़ी थी एक्सल लार्ज एप्पल, उसके बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसके किसके बीच में होती है। तो फर्स्ट कर्नाटका वॉर के बाद में कौन सी ट्रिटी होती है, ट्रिटी ऑफ एक्सल लार्ज एप्पल, और किस किसके बीच में होती है, वो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में होती है। कब होती है, 1748 में होती है। ठीक है, उसके एवजे में क्या होता है, उस ट्रिटी में क्या होता है, इंग्लिश को मद्रास दे दिया जाता है और नॉर्थ अमेरिका जो, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल की जो फाइट थी वो इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, और वो किसकी सक्सेशन थी, वो ऑस्ट्रियन की सक्सेशन थी। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। तो सेकेंड वॉर जो थी कर्नाटका वॉर, वो 1749 में स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो फाइट है ये कब स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है आपकी 1749 में। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो हमारा किस किस के बीच में होती है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है, देखिए, ठीक है, तो ये चीज़ें छोटी छोटी जो क्वेश्चंस बन जाते हैं उसके बारे में हम सब होना चाहिए। ठीक है, तो जो नाज़िर जंग निज़ाम एंड मोहम्मद अली स्पॉटेड बाय ब्रिटिशर, ठीक है, नाज़िर जंग द निज़ाम एंड मोहम्मद अली, क्या होता है कि जो सेकंड वॉर जो होती है वो क्यों होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए निज़ाम उल मुल्क, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, आपको मालूम होना चाहिए निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, ये कौन है, ये आपको मालूम होना चाहिए, जो इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद की इंडिपेंडेंट जो किंगडम थी ये इसका फाउंडर था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंडिपेंडेंट जो किंगडम ऑफ हैदराबाद थी कौन था, उसका फाउंडर कौन था, निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, इसकी क्या होती है, 1748 में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ये इसका इमीडिएट कॉज था। ठीक है, इसकी डेथ के बाद क्या होता है कि चंदा साहिब को रिलीज़ कर दिया जाता है एंड द सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली खान, ठीक है, एंड नवाब ऑफ कर्नाटका, ये क्या करते हैं, ये मराठा के ऑन द सेम वे द ऑफ जो मराठास होते हैं उनके साथ ये मिल जाते हैं। ठीक है, और इनको किसकी सपोर्ट होती है, फ्रेंच की सपोर्ट हो जाती है। ठीक है, चंदा साहिब मुजफ्फर जंग किसकी सपोर्ट मिलती है, फ्रेंच की, और इसके ऑपोजिट में कौन होता है, इसके ऑपोजिट में होता है नाज़िर जंग निज़ाम एंड मोहम्मद अली, उनको सपोर्ट किसकी मिलती है, उनको ब्रिटिशर की। ठीक है, तो मेन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो फाइट्स हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं। देखिए, फ्रेंच क्या चाहता है कि मेरी सुप्रीम पावर शो हो, और ब्रिटिशर क्या बोलते सोचते थे कि हमारी जो सुप्रीम पावर है इनडायरेक्ट वे से हम उनको सपोर्ट करें। तो ये जो हमारे हम जो राजा थे, जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी थे या फिर रणजीत सिंह थे, ये इंडिपेंडेंट थे, ये डिपेंडेंट नहीं थे यूरोपियन के ऊपर। बट ये जो अभी फाइट कर्नाटका की जो फाइट थी वो अभी क्या हो गया कि हम क्या डिपेंड हो गए थे यूरोपियन के, कि अगर हमें स्पॉट नहीं मिलती है, क्योंकि उनके पास जो मॉडर्न तरीके के जो इक्विपमेंट थे, हथियार थे, जो हमारे पास नहीं थे, जो इंडियंस जो राजा थे उनके पास नहीं थे, तो ये भी एक रीज़न था जो कि हम उनके क्लाइंट, मतलब हम उनके बिना तो फाइट जीत ही नहीं सकते, तो ये भी एक रीज़न था कि हम उनको इन्वॉल्व कर ही लेते थे इनडायरेक्ट वे से। क्या होता था, अगर जो भी हारता है, जैसे अगर फ्रेंच जिनको सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको क्या माना जाता है कि फ्रेंच की ही जीत होती है, और अगर वो इंग्लिश की जीत होती, मतलब इंग्लिश की टीम, जैसे इंग्लिश वाले जो नाज़िर जंग निज़ाम जो मोहम्मद अली अगर जीते हैं तो क्या माना जाता था, ब्रिटिशर की जीत मानी जाती थी। तो इसमें क्या होता है, इस वॉर में क्या होता है, जो चंदा साहिब फ्रेंच जो डिफीटेड एंड किल्ड द अनवर उल इल्म, ठीक है, जो फ्रेंच और चंदा साहिब जो हैं इनका फाइनेंशियली काफ़ी लॉस हो जाता है इस फाइट में। ठीक है, इस फाइट में क्या हो जाता है कि जो फ्रेंच हैं इनका काफ़ी लॉस होता है फाइनेंशियली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रेंच हैं, जो फ्रेंच आर्मी है उसको लीड कर रहे होते हैं डुप्लेक्स, ठीक है, डुप्लेक्स उनको लीड कर रहे होते हैं, जो ब्रिटिश हैं उसको रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो आप ये देखिए, आप देखते जाना कैसे रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं, तो ये उसकी जो नींव है वो यहीं से पड़ती है, क्योंकि उनके जो काम थे वो बहुत सराहनीय थे फॉर ब्रिटिशर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे जो फाइट होती है इनके बीच में, तो इनके बीच में जो फाइट होती है, तो जो डुप्लेक्स है वो काफ़ी, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी उनको फाइनेंशियली, फ्रेंच को जो फाइनेंशियली लॉस होते हैं, ठीक है, काफ़ी फाइनेंशियली लॉस हो जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल लॉस होने के कारण क्या होता है कि जो डुप्लेक्स को वापस बुला लिया जाता है और उसकी जगह पे एक नया जो गवर्नर होता है जो फ्रेंच का, गॉडेव। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सेकंड गॉड, ठीक है, गॉड ह्यू, गॉड
ये जो नया गवर्नर है जो फ्रेंच आर्मी की तरफ से बनाया जाता है, ठीक है, और ये अग्रेसिव नहीं था, ये क्या बोलता था कि नेगोशिएशन नेगोशिएशन की पॉलिसी नेगोशिएशन की पॉलिसी को फॉलो करता था, ठीक है। तो इसने क्या किया, नेगोशिएट किया किसके साथ किया, जो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में एक नेगोशिएशन हुआ, और वो कौन सी ट्रिटी थी, वो थी ट्रिटी ऑफ पॉडिचेरी, ठीक है, और वो कब होती है, वो 1754। तो देखिए कैसे क्या होता है कि जो नाजिर जंग निज़ाम एंड मोहम्मद अली, उसको सपोर्ट कौन रहा है, ब्रिटिश आर्मी, और उसको लीड कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है जी। ये एक साइड हो गई। अब आप देखिए सेकंड साइड क्या था, चंदा साहिब मुजफ्फर जंग, उसको सपोर्ट कौन रहा था, फ्रेंच, और उसको डुप्लेक्स जो था उसकी आर्मी जो है लीड कौन कर रहा था, फ्रेंच आर्मी को डुप्लेक्स। बट क्या होता है कि डुप्लेक्स की जो पॉलिसीज थी वो काफ़ी अग्रेसिव थी, बट वो हार जाता है, ठीक है जी। उससे हारने के बाद क्या होता है कि फ्रेंच को काफ़ी फाइनेंशियली लॉस हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि फ्रेंच जो हैं वो डुप्लेक्स को वापस बुला लेते हैं, उसकी जगह एक नया जो गवर्नर है उसको जो नियुक्त किया जाता है, उसका नाम होता है गॉडियो। और जो गॉडियो है उसको उसकी जो पॉलिसी है वो नेगोशिएशन वाली पॉलिसी थी, इसीलिए जो ट्रिटी ऑफ पॉडिचेरी है वो साइन होती है किस किस के बीच में, वो 1754 में इंग्लिश एंड ब्रिटिश आर्मी के बीच में, इंग्लिश ब्रिटिश आर्मी और जो हमारी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बीच में होती है, ठीक है जी। तो ऐसे ये जो सेकेंड जो कर्नाटका वॉर है वो फिनिश होती है, ठीक है जी। उसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे वो है थर्ड, जो हमारी कर्नाटका वॉर है, जो डिसाइडर है कि कौन सुप्रीम पावर है इन इंडिया, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।